दोस्तों आयुष्मान कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है बहुत से लोगों का दोस्तों नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं था बहुत से लोग अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे थे लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहां पर अब एक नई लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें ऐसे लोगों का दोस्तों नाम ऐड कर दिया गया है जिनका नाम नहीं था लिस्ट में समझ लो यानी कि अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था आप आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे थे तो अब आपका भी नाम दोस्तों लिस्ट में ऐड कर दिया गया है आप भी दोस्तों आसानी से आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे इस

आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान यानी आसानी से आयुष्मान कार्ड आप अपना बना सकते हैं और पांच लाख तक का जो है मुफ्त में इलाज करा सकते हैं बहुत से लोगों का दोस्तों नया नाम जो है ऐड कर दिया गया है तो कैसे दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं तो उसके लिए दोस्तों आपको इस पोर्टल पर लॉग करना पड़ेगा ठीक है तो लॉग करने के लिए यहां पर बेनिफिशरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है बेनिफिशरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन जो दिया है इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा वह ओ टी यहाँ पर आपको टाइप करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है जिसके बाद दोस्तों आप इस पोर्टल पर जो है लॉगिन हो जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं अब लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहां पर स्कीम दिया है तो स्कीम में आपको पी को सेलेक्ट रहने देना है ठीक है स्टेट यहां पर आपको अपना सेलेक्ट करना है यहां पर लगभग सभी स्टेट दिया हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है जिस जिस स्टेट में दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनता है वो स्टेट यहाँ पर दिया है तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर सब स्कीम दिया है तो इसमें भी दोस्तों आपको जो है पी एम जे ए वाई को ही रखना है और कोई यहाँ पर नहीं रखना है ठीक है इस बात का ध्यान रखना उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है तो यहाँ पर आपका जो भी जिला है उसे आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है ठीक है सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आता है लास्ट में सर्च बाय सर्च बाय में आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर अलग अलग जो है ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर आधार कार्ड या फिर जो भी आप मीन सेलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो है टाइप कर देना है ठीक है जैसा कि यहाँ पर हमने आधार नंबर टाइप कर दिया उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है पहले दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था लेकिन दोस्तों अब सबका नाम आने वाला है क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड निर्माण विशेष अभियान शुभारंभ दो मार्च दो से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है इसी महीने से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है के पात्र लाभार्थी निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें इसका मतलब यह है दोस्तों यहां पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आप अपने जहां से मतलब राशन लेते हैं वहां पर भी दोस्तों आप जाएंगे ना तो आप अपना राशन कार्ड आधार कार्ड देंगे तो आपका जो है आयुष्मान कार्ड बन जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिस जिसके पास राशन कार्ड है सबका आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों जो सर्विस है ये जो बोल सकते हो ना इसकी शुभारंभ की गई है ये बिहार सरकार द्वारा भी की गई है यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है आपके पास राशन कार्ड कार्ड आधार कार्ट बस होना चाहिए आसानी से आपका जो है आयुष्मान कार्ड बन जाएगा ठीक है तो कैसे बनाएंगे क्या है पूरा प्रोसेस वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना आधार नंबर डालकर सर्च किया है और हमारे पूरे फैमिली का जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुका है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट आई हुई है वो दोस्तों है सोर्स यानी कि यहां पर दोस्तों हमारा नाम पहले नहीं था लेकिन अब यहां पर सोर्स में आप देखेंगे तो एन एफ एस से पी यानी कि जो हमारा पी राशन कार्ड है उसके जरिए दोस्तों हम सभी का जो नाम है वो यहां पर ऐड हो चुका है यानी कि दोस्तों बस आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए अब आप सभी का जो है नाम यहां पर ऐड हो जाएगा पहले लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता था लेकिन दोस्तों अब यहां पर हमारा नाम आ रहा है और यहां पर सोर्स

इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंसेंट देना है चेकबॉक्स पे क्लिक करना है अलाउ कर देना है जैसे आप अलाउ करेंगे अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट करना है तो तीन ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर आधार ओ को सेलेक्ट करना है जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओ जाएगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपने जिस मोबाइल से लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर पर भी ओ जाएगा उसे यहाँ पर टाइप करना है और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है इस इसपे क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल वगैरह है वो शो होगा जिसे वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा वहीं से दोस्तों आप डाउनलोड भी कर पाएंगे समझ गए तो ये इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उसे आप देख सकते हैं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है दोस्तों वो ये है कि अब जिन लोगों के पास राशन कार्ड है वो भी दोस्तों आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे पहले दोस्तों राशन कार्ड होते हुए भी जब हम सर्च करते थे तो लिस्ट में नाम ही नहीं दिखाता था लेकिन अब ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको नहीं आएगा इस समय दोस्तों ये जो सर्विस है ये बिहार स्टेट में चलाया जा रहा है बिहार से अगर आप हैं तो भाई आपके पास बस राशन कार्ड होना चाहिए आसानी से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा आप जो राशन कार्ड के डीलर हैं वहाँ पर भी जाकर बना सकते हैं ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं जन सेवा केंद्र भी जाकर बनवा सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर